नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय ने आगामी परीक्षाओं को लेकर के। दोस्तों, जो परीक्षा पैटर्न जारी किया है यूजी और पीजी की परीक्षाओं को लेकर के, उसकी इस पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप दिनांक भी दोस्तों ऑफिशियली देख सकते हैं, 31 जुलाई 2021 यानी अभी ये जारी किया गया है। पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुँचे सही वह सटीक न्यूज़। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस विश्वविद्यालय के परीक्षा पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिखावाटी विश्वविद्यालय सीकर ने। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस जारी किया है सभी प्राचार्यों को और संबंधित महाविद्यालयों को भी। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर COVID-19 सीधा सा, दोस्तों मैं आपको पॉइंट्स वाइज ही बता देता हूँ कि क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, COVID-19 वैश्विक महामारी के परिदृश्य को मद्देनजर रखते हुए स्नातक स्नातकोत्तर अथवा सेमेस्टर परीक्षा 2020-21 में जिन प्रश्न पत्रों की समयावधि 3 घंटे निर्धारित है, के स्थान पर जो आपका प्रति प्रश्न पत्र है वो 1.5 घंटे समयावधि में निर्धारित की गई है। स्नातक कला वाणिज्य या विज्ञान संकाय जिसमें एक विषय में 2 प्रश्न पत्रों का आयोजन होता है, के संदर्भ में परीक्षार्थियों के 2 प्रश्न पत्रों की परीक्षा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत एक ही पारी में 1.5 घंटा + 1.5 घंटा 3 घंटे की समयावधि में आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार कला व विज्ञान संकाय या फिर वाणिज्य संकाय के कुछ विषय के प्रश्न पत्र जिनकी संख्या 2 से अधिक होती है, उनकी परीक्षाओं का आयोजन 2 प्रश्न पत्र प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र तो एक ही पारी में आयोजित करवा लिया जाएगा तथा शेष प्रश्न पत्र यानी जो तृतीय प्रश्न पत्र है वो आगामी परीक्षा दिवस में आपके 1.5 घंटे की समयावधि में पूरा करवाया जाएगा। एक ही पारी में 1.5 + 1.5 = 3 घंटे में 2 प्रश्न पत्रों के आयोजन में प्रश्न पत्र वितरण में लगने वाले समय की क्षतिपूर्ति बाबत 5 मिनट का आपको अतिरिक्त समय भी परीक्षार्थियों को दिया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका के संग्रहण के पश्चात ही द्वितीय प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका है वो आपके वितरित की जाए। आगे आप देख सकते हैं, स्नातक कला संकाय के विषय डीफ डम्ब एंड ब्लाइंड के प्रश्न पत्रों की जो समयावधि है वो पाठ्यक्रमानुसार 4 घंटे निर्धारित है, के स्थान पर अब आपको 2 घंटे समयावधि निर्धारित की गई है और आपको जो प्रश्न पत्र है उनमें से कुल पूर्णांकों का 50% का ही हल करना होगा। आगे आप देख सकते हैं, परीक्षार्थियों को दिए गए प्रश्न पत्र में विकल्प जैसे यूनिट इकाई तथा अथवा और के अनुसार प्रश्नों की हल करने की इस बार बाध्यता नहीं होगी। परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में से कुल पूर्णांकों के 50% प्रश्न को हल करना होगा। परीक्षार्थी द्वारा उक्त निर्धारित अंक सीमा से अधिक प्रश्नों को हल करने पर अतिरिक्त प्रश्नों के हल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका में हल किए गए सर्वोत्तम प्रश्नों को ही निर्धारित अंक सीमा तक स्वीकार किया जाएगा। परीक्षक द्वारा मूल्यांकित किए गए 50% प्रश्नों के अंकों को 100% में परिवर्तित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। यह आप देख सकते हैं, पहले जो आपका 100 अंकों का पेपर आता था, अब आपके दोस्तों केवल आपको 50 अंकों का ही हल करना है। पहले जो 80 अंकों का हल करना होता था, अब आपको केवल 40 अंकों का हल करना है। जो पेपर आपके 50 अंकों का आप सोल्व करते थे उनमें आपको केवल 25 अंकों का सोल्व करना है। आगे आप देख सकते हैं, जिन प्रश्न पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 1.5 घंटे अथवा 2 घंटे निर्धारित है, उन प्रश्न पत्रों को परीक्षार्थियों द्वारा हल करने की जो समयावधि है वो भी 1.5 घंटे एवं 2 घंटे ही रहेगी, यानी उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन है वो नहीं किया गया है। और जितने प्रश्न पहले विद्यार्थियों को हल करने होते थे उतने ही अब हल करने हैं, लेकिन इसमें दोस्तों इकाई अथवा जो आपके और वाली बाध्यता है उनको हटा दिया गया है, यानी आप इकाई में दोस्तों और में भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं, स्नातक स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा 2020-21 की प्रायोगिक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों से परीक्षार्थियों के द्वारा महाविद्यालय में जमा करवाई गई फाइल या असाइनमेंट के आधार पर ही आपके प्रायोगिक परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें परीक्षार्थी की व्यक्तिगत उपस्थिति भी आवश्यक नहीं है। जिन प्रायोगिक विषयों में केवल प्रेजेंटेशन, वाइवा वोस और सेमिनार का आयोजन होता है, उन विषयों की जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं उनका आयोजन ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय या विभाग द्वारा करवाया जाए। जिन पाठ्यक्रमों में आंतरिक परीक्षा का आयोजन होना है उन पाठ्यक्रमों में फाइल असाइनमेंट या ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर भी है वो मूल्यांकित किया जा सकता है। आगे आप देख सकते हैं, COVID-19 प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केंद्र, राज्य सरकार, गृह विभाग द्वारा समय समय पर जारी एडवाइजरी एवं समस्त दिशा निर्देशों की पालना यथा मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी एवं परीक्षा केंद्रों को
सैनिटाइज करवाना आदि की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करेंगे ताकि संक्रमण की विषमता को नियंत्रित करते हुए परीक्षार्थियों को है वो सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु परीक्षाएं हैं वो संपन्न करवाई जाए। नीचे आप देख सकते हैं डॉक्टर अरिंदम बासु जी जो कि परीक्षा नियंत्रक है उनके यहाँ पर सिग्नेचर किए हुए हैं और डेट भी लिखी गई है। ये दोस्तों पत्र आप मानकर चलिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने परीक्षा पैटर्न को लेकर के है वो जारी किया था, उसी प्रकार का सेम परीक्षा पैटर्न दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सिक्कर के द्वारा भी जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के परीक्षा पैटर्न का अभी तक वेट है, उन्होंने अभी तक अपना परीक्षा पैटर्न है वो जारी नहीं किया गया है। उन विश्वविद्यालयों से भी परीक्षा पैटर्न को लेकर के कोई भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार की जानकारी आपको तुरंत हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा पर मिलेगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।